हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स. चैप्टर फर्स्ट, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर. कल हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी प्रोडक्शन में फोर फैक्टर्स रिक्वायरमेंट होती है. पहली होती है लैंड, सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर, थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिज़िकल कैपिटल. फिज़िकल कैपिटल के अंडर में आते हैं टूल्स, मशीन्स वगैरह, जिसको हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं. एंड नेक्स्ट इज़ वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल जो भी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं डे टू डे अपनी इंडस्ट्री में, उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. एंड फोर्थ रिक्वायरमेंट इज़ ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? जो भी लेबर्स को हम वर्क में लगाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में लगाते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, वो ह्यूमन फैक्टर हो जाते हैं. देन वी हैव टू कंटिन्यू फ्रॉम विल द लैंड सस्टेन. सो लैंड सस्टेन मीन्स कि लैंड के अंडर में जो भी आप फार्मिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे जो भी आप फर्टिलाइज़र्स मैन्युफैक्चरिंग या जो भी चीज़ें आप परफॉर्म करते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, जिससे लैंड की जो फर्टिलिटी है वो डैमेज हो जाए और इससे फर्दर हमें कोई भी क्रॉप ग्रो करने में या कोई भी हम लोग अगर एग्रीकल्चर प्रोसेस वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, तो जब लैंड की फर्टिलिटी वहाँ पे नहीं होगी तो इससे लैंड में बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ होने लगेगा और जो जिस टाइप के क्रॉप हमें चाहिए वो हमें ऑब्टेन नहीं हो पाएंगे. एंड वंस दैट फर्टिलिटी इज़ डिस्ट्रॉयड, अगर एक बार किसी भी लैंड की फर्टिलिटी डैमेज हो जाती, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उसकी फर्टिलिटी वापस से लाने में. और उसके लिए जो भी प्रोसेस होते हैं वो फार्मर्स को बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ते हैं और इससे जो लैंड की जो पहले जैसी फर्टिलिटी है वो दोबारा वैसी नहीं हो पाती है. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज़ हु विल प्रोवाइड द लेबर. लेबर कौन प्रोवाइड करता है? आफ्टर लैंड, लेबर इज़ द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर फॉर प्रोडक्शन. सबसे पहले हमारे पास नेसेसरी चीज़ क्या है प्रोडक्शन के लिए? लैंड. लैंड हमारे पास होगी तभी हम कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएंगे. लैंड के बाद कौन सी हमारे पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है? लेबर की. जब हमारे पास लेबर ही नहीं होगा तो हम लैंड पे जो भी हमारे एक्टिविटीज़ प्रोडक्शन की परफॉर्म करनी है वो हम प्रॉपर वे में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. फार्मिंग रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड. फार्मिंग में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है लेबर की. जो भी बड़े फार्मर्स होते हैं वो लेबर्स को हायर करते हैं अपनी फील्ड में काम करवाने के लिए, लेकिन जो छोटे लेबर्स हैं, जो छोटे फार्मर्स हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते कि वो लेबर्स को हायर कर सकें, वो खुद ही अपनी फैमिलीज़ के साथ अपनी ओन फील्ड में, उनके खुद की फील्ड में सारी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके लेबर वर्क को, जो भी प्लांटेशन वर्क रहता है, उसको परफॉर्म करते हैं. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर फार्म लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड. और जो मीडियम से लार्ज फार्मर्स होते हैं, जो कि लेबर्स को हायर कर सकते हैं अपने वर्क पे काम करवाने के लिए, वो उनसे काम करवाते हैं और उसके बदले उनको वो पैसे अमाउंट में देते हैं. नेक्स्ट इज़ द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. सो हमारे पास लैंड हो गया, सेकंड इज़ लेबर हो गया, थर्ड हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है? कैपिटल की. जो हम पैसे लगा रहे हैं फार्मिंग में वो हम कहाँ से लाएंगे? मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल. दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाईज वेरियस इनपुट फॉर कल्टिवेशन. जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो फार्मिंग के लिए क्या करते हैं? वो पैसे बोरो करते हैं किसी बड़े फार्मर से या फिर मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स से, जो कि उनको पैसे भी देते हैं या फिर उसकी जगह वेरियस इनपुट्स जो कि कल्टिवेशन में इम्पॉर्टेंट है वो उनको सप्लाई करते हैं, लेकिन उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई रहता है, जो कि जो छोटे फार्मर्स रहते हैं उनको जब रीपे करना रहता है, वो लोन वापस करना रहता है, तो उनको जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई होने से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. देन नेक्स्ट टॉपिक इज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. इसके अंडर में क्या होता है कि जब कोई फार्मर एक ही लैंड पे प्रोडक्शन करता है, सपोज़ अगर उसने वीट की वहाँ पे प्रोडक्शन की, एग्रीकल्चर किया है, उस वीट को वो अपनी फैमिलीज़ के लिए पहले प्रोटेक्ट करके रखेगा कि उसकी फैमिलीज़ का भी जो कंजप्शन है वो पूरा हो सके. उसके बाद अगर वीट उसके पास और अमाउंट में है
तो वो उसको पास के जो कि उसके विलेज के नियर में जो कोई भी मार्केट है वहाँ पे जाके वो उसको सेल करेगा। इससे उसकी जो सरप्लस प्रोडक्शन हो रही है वो उसको प्रॉफिटेबल भी होगी। इसमें दो एग्जांपल्स दिए गए हैं सविता एंड गोविंद का। इसके अंडर में वो लोग भी स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं और उनके प्रोडक्शन जब होती है जो प्रोडक्शन से जो क्रॉप्स बच रहे हैं वो उनको पास के अपने विलेज के नियर में जो भी मार्केट है या ट्रेडर्स हैं उनको वहाँ पे जाके वो उसको सेल करते हैं। देन व्हाट आर द नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। ये सारी एक्टिविटीज़ तो फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंडर में आ गए। इसके अलावा पालमपुर में नॉन फॉर्मल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी है? फर्स्ट है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। सबसे पहली है डेयरी। डेयरी क्या होती है आप सबको पता है, डेयरी इज़ द कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। डेयरी बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है पालमपुर में और ये बहुत सारी फैमिलीज़ वहाँ की डेयरी को रन करती हैं और उसके बेसिस पे वो अपने फैमिलीज़ का जो भी ऑक्यूपेशन होती है वो उससे अपनी फैमिलीज़ को रन करती हैं। देन नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटी है जो पालमपुर में परफॉर्म होती है? नेक्स्ट एक्टिविटी है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि बहुत छोटे बजट पे जो कि मैन्युफैक्चरिंग होती है वो वहाँ पे पालमपुर में होती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा बास्केट वीविंग वगैरह होती है या फिर कारपेट वीविंग, ये सारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है वो भी पालमपुर में सेटअप है। इसके बाद नेक्स्ट कौन सी है? द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। शॉप्स वगैरह भी पालमपुर में लोग रन करते हैं। शॉप्स कीपर क्या होते हैं आप सबको पता है, छोटी छोटी शॉप्स भी हैं पालमपुर में जिसके बेसिस पे वो लोग अपनी फैमिलीज़ के लिए या फिर उनकी क्रॉपिंग के लिए जिस भी चीज़ के लिए उनको पैसे की ज़रूरत है वो शॉप्स के थ्रू, छोटी शॉप्स के थ्रू अपनी पैसे को अर्न कर सकते हैं। और ये शॉप कौन कौन सी होती है? राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल और क्लोथ्स वगैरह की भी शॉप ये सारे लोग ओपन कर सकते हैं। एंड फोर्थ एक्टिविटी इज़ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या होता है ये आप सबको पता है, जो भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है वो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। किसी की क्रॉप को अगर विलेज से सिटी में ले जाना है तो उसके लिए आप पैदल तो लेकर के जाओगे नहीं, तो इसके लिए आपको बुलक कार्ड और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जितनी भी चीज़ें हैं स्मॉल जो कैरी वैन्स होती हैं वो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जीप वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी आपको पालमपुर में मिल जाएगी जो कि विलेज से सिटी को कनेक्ट करती है। एंड दिस इज़ द समरी ऑफ द चैप्टर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। एंड वी विल डू क्वेश्चन आंसर टुमारो।